नमस्कार साथियों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो हर आदमी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है जो आदमी समय से पहले कंपनी छोड़ना चाहता है। जी हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी पासपोर्ट नहीं देती। अगर आप कोई उनके खिलाफ में बोलते हैं, आपको कंपनी को लगता है कि ये नाटक करेगा, अपने ऊपर प्रेशर लगवा सकता है या फिर ये जा सकता है, तो कंपनी फिर दुर्भावनापूर्ण आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लेने की सोचती है। जी हाँ, पिछले महीने में 3 से 4 केस मेरे पास ऐसे आ सकते हैं। एक के ऊपर रबाब ने चोरी का मुकदमा लगा दिया, बेचारा भोला सा बच्चा था, ठीक है। दूसरे के ऊपर बंद कंपनी ने मानहानि का कुछ ऐसे कोई लीगल प्राइवेसी ख़त्म कर दी इस तरह से, मतलब कंपनी पूरी कोशिश करती है कि इस बंदा ये जा रहा है तो उसके साथ एक दुश्मनी निकालने का जैसा एक षड्यंत्र रचती है। अब षड्यंत्र रचने के लिए आपके खिलाफ में कंपनी क्या कर सकती है, आरोप लगाएगी। वो आरोप क्या लगाएगी कि कंपनी की निजी जानकारी आपने अन्य कंपनी के साथ शेयर कर दी इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, या फिर आपके साथ पुलिस केस कर दिया, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट कर सकती है। पुलिस में मुकदमा भी आपके खिलाफ में दर्ज करवाया जा सकता है। ऐसा ही एक केस आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बंदे ने कंपनी ने उसको ये कहते हुए निकाल दिया कि कंपनी ये बंदा उसके ऊपर मुकदमा कर दिया था, ये कहते हुए कि इसने कंपनी की निजता को भंग किया, यानी कंपनी की निजी जानकारी है दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर दी। उन्होंने पुलिस केस किया, केस पुलिस आपको पता है भाई चलान हो जाता है तो कोर्ट में चला जाता है मैटर। कोर्ट में वो बंदा बरी हो गया, क्योंकि झूठ कितने टाइम तक टिकती आप सबको पता है। हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बंदा परेशान हो सकता है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया तो भाई कोर्ट से बंदा बरी होने के बाद में कंपनी के खिलाफ, आप देखिए कंपनी ने उसको निकाल दिया। सोचने की बात है, ये सभी लोगों के ऊपर लागू होती है। तो कंपनी ने उसका इस्तीफा, उसको रेजिग्नेशन लेटर बोल दिया कि आउट, आप जॉब से बाहर हो, उसकी तनख्वाह रुक गई। जब वो बरी हो गया तो उसके बाद में उसने कंपनी के वापस आके इस्तीफा दिया अपना, कि कंपनी ने हालांकि उसको पहले मौखिक लिए निकाल दिया था लेकिन उसने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देने तक की तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह की मेन बात यह है, तनख्वाह की कौन देगा भाई? तनख्वाह देगी कंपनी। जी हाँ, अब कंपनी तो देगी नहीं, उसने तो पुलिस केस कर दिया, उसको निकाल दिया, तो कंपनी कैसे देगी तनख्वाह? तो फिर उसके कंपनी के खिलाफ में लीगल एक्शन आपको लेना है। फिर वो कंपनी की पहले बारी थी, उसमें आप बरी हो चुके हैं, उसके बाद में कंपनी के खिलाफ में आपको एक्शन लेना है। कंपनी ने आपको मनमर्जी से, अपनी मर्जी से आपको बर्खास्त किया, प्लस एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आपकी, जब आपने इस्तीफा दिया तब तक कि आपकी तनख्वाह उसमें आपके 4 महीने 6 महीने 8 महीने जो भी आपकी तनख्वाह बनती है वो सैलरी आपकी बकाया है। आपको नोट करने की बात है, अगर कंपनी आपको निकाल भी दे, बर्खास्त भी कर दे, तो भी आप अपने वेतन के हकदार होते हैं। ये नहीं कि कंपनी में 3 महीने का वेतन पड़ा और कंपनी ने आज निकाल दिया और वो पैसा नहीं दे, नहीं जी। हाँ आगे न दें लेकिन पीछे का तो हिसाब करे ना कंपनी, ये हकदार है। लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा इस बात को, कंपनी के खिलाफ आप दावा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि कौन सा दावा कि कंपनी ने मुझे, मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, उसमें तो बरी हो गया बंदा, उसके बाद में उसके कंपनी ने मनमर्जी से दुर्भावनापूर्ण उसको बर्खास्त कर दिया, जॉब से निकाल दिया। ये आपको कंपनी के खिलाफ में मुआवजा दावा करना पड़ेगा, कि मुआवजा के संबंधित केस दावा करना पड़ेगा। इसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कंपनी ने दुर्भावनापूर्ण मुझे निकाला। जी हाँ, और वो मैटर पूरा का पूरा झूठ था। अनुच्छेद 112 में ये प्रावधान पूरा किया गया है। बता दूँ 112 में कंपनी कब आपको मुआवजा या आपकी तनख्वाह देने की हकदार नहीं होती है, जब आप मान लीजिए कोई कंपनी के खिलाफ में, जैसे आप आपस में किसी से लड़ लेते हैं, जानलेवा हमला कर देते हैं, जीवन से संबंधित कोई किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, अपराध कर लेते हैं, या आप हड़ताल पे बैठ जाते हैं जिससे कंपनी को काफ़ी सारा नुकसान होता है, वो आप जानबूझकर करते हैं, और ये तब आपको कंपनी अस्थायी जॉब से निकाल सकती है। आपको उस टाइम वेतन भी नहीं देगी, कंपनी आपको निकाल देगी। अगर आप बेगुनाह होने साबित कर देते हैं कोर्ट के अंदर ये सब बातें, क्योंकि मुकदमा फिर कोर्ट में चला जाता है, कंपनी केस करेगी 100%, तो ये साबित आप कर देते हैं तो पूरा का पूरा आपको ये पूरा आपकी तनख्वाह, आपका बोनस सब कुछ कंपनी को देना पड़ेगा, चाहे आपने कंपनी में काम नहीं किया, चाहे आपको कंपनी ने जॉब से निकाल दिया। जी हाँ, ये बाकायदा दुबई का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जजमेंट है, 2010 में केस नंबर 46 में ये प्रावधान, ये केस किया गया था, उसमें एक बंदे की, एक वर्कर की जीत हुई थी, कंपनी के खिलाफ में फैसला दिया था 2010 केस नंबर 46 में। जी हाँ, उसके आधार पे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, शॉर्ट में तरीके में समझें कि कंपनी आपके खिलाफ में जानबूझ के ऐसे षड्यंत्र रचती है और आप उस केस में बरी हो जाते हैं, आपको इल्जाम झूठे पाए जाते हैं, फिर आप कंपनी की वाट लगाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, उनके खिलाफ में मुकदमा करें और आपको उनको साबित करना होगा, आपका पूरा पैसा सब कुछ कंपनी को देना पड़ेगा। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।